गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार। आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार जिसमें W, Q, DE तथा DE का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार जिसमें W, Q, DE व DH का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार हम दो प्रक्रमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार को हम दो प्रक्रमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है समतापीय प्रसार। ठीक है, जिसमें क्या होता है समतापीय प्रक्रम जिसमें क्या है dT बराबर क्या होता है जीरो होता है। dT इज इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है। दूसरा होगा रुद्धोष्म प्रक्रम। दूसरा कौन सा है रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें डेल क्यू बराबर क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रमों के अंतर्गत हम आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें W, Q और DE, DH का मान ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, अब हेडिंग लगा लेते हैं समतापीय प्रक्रम में आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार। समतापीय प्रक्रम में आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार, उसमें सबसे पहले अपन निकालेंगे W, कार्य W का मान। ठीक है, समतापीय समतापीय प्रक्रम dT बराबर जीरो में आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार। आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार का उत्क्रमणीय प्रसार। ठीक है, का उत्क्रमणीय प्रसार। तो समतापीय प्रक्रम में आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार को उत्क्रमणीय प्रसार के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे कार्य, किसका W का। ठीक है, कार्य, अब कार्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो घर्षण रहित तथा द्रव्यमान रहित पिस्टन युक्त निकाय का बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर क्या होगा, आदर्श गैसों का प्रसार क्या करता है डीवी आयतन में वृद्धि करता है। क्या है कि घर्षण रहित व द्रव्यमान रहित पिस्टन युक्त निकाय का, घर्षण रहित व द्रव्यमान रहित पिस्टन युक्त निकाय का बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर, बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर आदर्श गैसों का प्रसार क्या करता है डीवी आयतन में वृद्धि करता है। आदर्श गैसों का प्रसार डीवी आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये कोई देखो घर्षण रहित तथा द्रव्यमान रहित पिस्टन, घर्षण रहित व द्रव्यमान रहित पिस्टन युक्त निकाय का, सिस्टम का बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर क्या होगा आदर्श गैस का प्रसार, आदर्श गैस का प्रसार क्या करता है डीवी आयतन में वृद्धि करता है, डीवी आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है, एनहेंस करता है। ठीक है, जैसे अब ये कोई क्या है निकाय ले लिया अपन ने। ठीक है, ये कोई
ठीक है, ये क्या है, कोई पात्र है, इसमें क्या भरी हुई है, आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, आदर्श गैस है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन ने क्या लगा लिया, एक पिस्टन लगा लिया, ठीक है, एक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इस पिस्ट और इस पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है, बाह्य दाब लग रहा है, कुछ ना कुछ तो बाह्य दाब लग रही है, लग ही रहा है, ठीक है। इस पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, बाह्य दाब लग रहा है, ठीक है, बाह्य दाब लग रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस पात्र में क्या भरी हुई है, आदर्श गैस भरी हुई है, और आदर्श गैस के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा लिया, ठीक है, क्या लगाया, एक पिस्टन लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, इस पिस्टन को हल्का सा क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। ये हल्का सा अपन ने इस पिस्टन को ऊपर उठा लिया, ठीक है, इसको क्या करती हूं मैं, ये जो पहले स्थिति है ये क्या है, पिस्टन की पहले वाली स्थिति है, ठीक है, ये पिस्टन की क्या है, पहले वाली स्थिति है। अब अपन ने क्या किया, इस पिस्टन को हल्का सा ऊपर उठा लिया, हल्का सा ऊपर उठाया तो क्या हुआ, इसके ऊपर वाला लगने वाला बाह्य दाब था जो, वो इस पिस्टन को ऊपर उठाने से क्या हुआ, हल्का सा कम हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, बाह्य दाब में क्या अति अल्प घटा, ठीक है, अति अल्प घटा बाह्य दाब। क्या किया कि इस पात्र के अंदर अपन ने एक आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है, इस आदर्श गैस के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा लिया, ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ था पहले, ठीक है, यहाँ क्या पिस्टन लगा हुआ था। अब अपन ने क्या किया, इस पिस्टन, अब पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है, बाह्य दाब तो लग ही रहा है, ठीक है, पिस्टन के ऊपर बाह्य दाब तो लग ही रहा है, तो अब अपन ने क्या किया कि इस पिस्टन को हल्का सा ऊपर उठाया, हल्का सा ऊपर उठाया, जिससे क्या हुआ कि बाह्य दाब में अति अल्प घट गया, बाह्य दाब क्या हुआ, अति अल्प घट गया, और आयतन में क्या हो गई, डीवी आयतन में वृद्धि हुई, बाह्य दाब को घटाने पर आदर्श गैस, अब पिस्टन को ऊपर उठाया तो क्या हुआ, आदर्श गैस का आयतन तो बढ़ा ही है ना, आदर्श गैस का आयतन बढ़ा, पिस्टन को ऊपर उठाने से आदर्श गैस का आयतन बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर आदर्श गैस का प्रसार जो है वो डीवी आयतन में वृद्धि करता है, तो पिस्टन को ऊपर उठाने से बाह्य दाब घटा, जिससे क्या हुआ कि ये जो आदर्श गैस का आयतन था वो जितना ऊपर उठाया पिस्टन को उतना बढ़ गया, ठीक है, जितना पिस्टन को ऊपर उठाया इतनी बाह्य दाब में कमी की उतना उसका आयतन बढ़ गया, ठीक है। तो बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर आदर्श गैस का डीवी आयतन में वृद्धि करता है, ठीक है, इतना हुआ। तो अब आदर्श गैस का प्रसार है, ठीक है, तो प्रसार कार्य क्या होता है, प्रसार कार्य W बराबर क्या होता है, -PdV, पता है ना अपन को कि आदर्श प्रसार कार्य क्या होता है, -PdV, ठीक है ना, -PdV, ठीक है, -PdV होता है, ऐसा निकाय द्वारा प्रसार में किया गया कार्य W बराबर -PdV, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं कि बाह्य दाब क्या है, अति अल्प घटाया अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैसों के लिए पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, एन बराबर अपन ने क्या ले लिया, एक मोल ले लिया, एन बराबर क्या लिया अपन ने, एक मोल लिया, ठीक है, तो पीवी बराबर क्या आया, आरटी आया, इसी तक हो गया, इसी तक आया समझ में कि डब्ल्यू बराबर प्रसार कार्य निकाय द्वारा किया गया प्रसार कार्य डब्ल्यू बराबर क्या है, -PdV, ठीक है, प्रसार कार्य W बराबर -PdV। अब क्या करते हैं, आदर्श गैसों के लिए PV बराबर क्या होता है, NRT, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर NRT, ठीक है, NRT, क्योंकि आदर्श गैसों के लिए, चूंकि आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर होता है एनआरटी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एन बराबर एक मोल के लिए तो क्या होगा, पीवी बराबर क्या आएगा, आरटी आएगा, ठीक है, पीवी बराबर क्या आया, आरटी आया। अब क्या करेंगे अपन, देखो दाब में क्या किया, अति सूक्ष्म दाब घटाया है, दाब में क्या किया, अति सूक्ष्म कमी की है अपन ने, तो क्या होता है, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन, ये क्या, अति सूक्ष्म कमी की मतलब दाब में क्या हुआ, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन हुआ,
तो अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन क्या हुआ? लगभग इससे दाब ही तो हुआ, बहुत कम दाब में परिवर्तन था, ठीक है, तो वो क्या हुआ, इससे दाब ही हुआ लगभग, तो अति सूक्ष्म दाब में परिवर्तन क्या हुआ? अति सूक्ष्म दाब में परिवर्तन क्या होगा? लगभग स्थिर दाब ही होगा, ठीक है, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन लगभग स्थिर दाब होता है, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन जो है अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन लगभग स्थिर दाब होता है, लगभग स्थिर दाब होता है, ठीक है ना, लगभग स्थिर दाब होता है, ठीक है, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन जो है वो लगभग स्थिर दाब होता है, अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन लगभग स्थिर दाब होता है, अतः P बराबर क्या आया अपन के पास, अतः दाब P बराबर आया RT अपॉन V, अतः P बराबर क्या आया अपने पास RT अपॉन V, और W बराबर क्या था अपने पास माइनस पी डी वी आया था अपने पास, तो अब इस P का मान क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, इस P का मान क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, यानी कि इसको लगा लेते हैं अपन समीकरण नंबर एक, तो P अपॉन RT और इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर दो, ठीक है, तो अब समीकरण दो का मान किसमें रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखेंगे, क्या है समीकरण दो में P का मान है, तो P का मान अपन समीकरण एक में P का मान रख देंगे, तो W बराबर क्या आया आपने पास माइनस P का मान रख देते हैं RT अपॉन V, माइनस RT अपॉन V, ठीक है, इंटू dv, इंटू dv, ठीक है, ये आया अपने पास W बराबर माइनस RT अपॉन V इंटू dv, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर तीन, इसको क्या करते हैं समीकरण नंबर लगा लेते हैं तीन, ये समीकरण एक, वो समीकरण दो और ये समीकरण तीन, अब इस समीकरण में क्या करेंगे आयतन का V1 से V2 की परिस्थितियों में क्या करेंगे समाकलन करेंगे, अब आयतन का V1 से V2 की परिस्थिति में, ये जो आयतन है ना इसका V1 से V2 की परिस्थिति में क्या करेंगे समाकलन करेंगे, ठीक है, तो आयतन की V1 से V2 परिस्थिति में समाकलन करने पर आयतन का V1 से V2 की परिस्थितियों में समाकलन करने पर, क्या करने पर समाकलन, ठीक है, तो समाकलन कर लेते हैं आयतन का V1 से V2 की परिस्थितियों में समीकरण तीन का, तो समाकलन डेल W, ठीक है, समाकलन क्या है डेल W, ठीक है, ये भी क्या है अपने डेल W है, ये क्या है डेल W है, तो समाकलन डेल W इज इक्वल टू समाकलन V1 से V2 माइनस RT dV अपॉन V, ठीक है, माइनस RT dV अपॉन V, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका V1 से V2 की परिस्थिति में समाकलन कर दिया, तो क्या आएगा अपने पास समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अपने पास क्या आएगा, W बराबर क्या आया अपने पास, W बराबर समाकलन करने पर W बराबर माइनस RT, ठीक है, ये क्या आएगा ln V V2 अपॉन V1, V2 अपॉन क्या आएगा V1 आएगा, ठीक है, तो समाकलन करने पर क्या आया W बराबर माइनस RT ln V2 अपॉन V1, इसको लगा लेते हैं, ठीक है, ये आया अपने पास अब log के रूप में, ये ln के रूप में, अब इसको क्या करेंगे log के रूप में लेंगे, तो W बराबर
W बराबर log के रूप में लिया, माइनस 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1, ठीक है, ये ln के रूप में था, ये log के रूप में। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है, ये आया W बराबर माइनस 2.303 RT log V2 अपॉन V1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें n मोल के लिए, क्या करेंगे अब n मोल के लिए लिखेंगे इस समीकरण को, तो क्या आया W बराबर माइनस 2.303 nRT, n मोल के लिए लिया है nRT log 10 V2 अपॉन V1, ठीक है, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 5, ये किसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 5, जहां अब n क्या है, गैसीय मोलों की संख्या है, n क्या है, गैसीय मोलों की संख्या है, ठीक है, और r क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है, W बराबर माइनस पीडीवी में P का मान यहां से रख देंगे, तो W बराबर क्या आया, माइनस P का मान रख दिया R T अपॉन V, P का मान रख दिया अपन ने और इनटू में क्या है dV, ठीक है, तो ये है समीकरण नंबर 3। आ गई इक्वेशन नंबर 3 समझ में, आई इक्वेशन नंबर 3, कैसे आया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, अब आगे क्या किया अपन ने के इस समीकरण का आयतन की V1 से V2 परिस्थितियों में क्या किया अपन ने, समाकलन किया, आयतन का V1 से V2 की परिस्थितियों में समाकलन किया अपन ने, आयतन का V1 से V2 की परिस्थितियों में समाकलन किया, ये डेल W था, ठीक है, डेल W इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन V इंटू dV, ठीक है, अब क्या किया इस समीकरण का अपन ने, ये समीकरण नंबर 3, इस समीकरण का अपन ने आयतन V1 से V2 की परिस्थितियों में आयतन का क्या किया, समाकलन किया, तो समाकलन डेल W इज इक्वल टू समाकलन V1 से V2 की परिस्थितियां लगाने, लिमिट लगा दी V1 से V2, ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस RT dV अपॉन क्या है dV अपॉन, तो अब इस समीकरण का क्या किया समाकलन किया, समाकलन करने से क्या आता है अपने पास V1 से V2 की परिस्थिति में समाकलन किया, तो समाकलन करने पर क्या आएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा W, ठीक है, और माइनस RT ln V2 अपॉन V1 आ जाएगा, ठीक है, ln V2 अपॉन V1, ये समीक, ठीक है, ये आया अपने पास। अब इसको क्या करेंगे log के रूप में लिखेंगे, इसको log के रूप में लिखेंगे, अब इसको log के रूप में लिखेंगे, ठीक है, W बराबर RT माइनस, सॉरी W बराबर माइनस 2.303 माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1, log 10 V2 अपॉन V1, ठीक है, V2 अपॉन V1 आया। अब क्या करेंगे इसको लगा लिया समीकरण नंबर 4, इसको क्या किया समीकरण नंबर क्या लगा लिया 4 लगा लिया, अब इसको इसी समीकरण को क्या करेंगे n के रूप में लिखेंगे, मोल n मोलों के लिए लिखेंगे, ठीक है, इस समीकरण को क्या करेंगे अपन n मोल्स के लिए लिखेंगे, इस समीकरण को अपन n मोल्स के लिए लिखते हैं, तो W बराबर क्या आया माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1, ठीक है, ये आया n के रूप में। इसको लगा लेते हैं समीकरण 5, इसको क्या किया समीकरण 5 लगा लिया। अब n क्या है,
एन क्या है? गैसीय मोलों की संख्या है, ठीक है, गैसीय मोलों की संख्या। आर क्या हुआ? गैस कॉन्स्टेंट है। टी क्या है? तापक्रम है। वी टू क्या है? अंतिम आयतन है। और वी वन क्या है? प्रारंभिक आयतन, ठीक है, प्रारंभिक आयतन हुआ। अब क्या करेंगे कि यदि समतापीय प्रक्रम में क्या दिया हुआ हो, समतापीय प्रक्रमों में आयतन परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया हो, क्या करेंगे? यदि समतापीय प्रक्रम में आयतन परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया हो, आयतन परिवर्तन के स्थान पर क्या दिया गया हो? दाब परिवर्तन। यदि समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में आयतन परिवर्तन के स्थान पर, आयतन परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया हो तो दाब परिवर्तन दिया गया हो तो दाब परिवर्तन दिया गया हो तो क्या करेंगे? यदि समतापीय प्रक्रम में आयतन परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया हो तो क्या करेंगे? पीवी बराबर क्या होता है? आरटी होता है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। पीवी बराबर क्या होता है? आरटी होता है, ठीक है। अब क्या है, प्रारंभिक परिस्थितियां क्या होगी? प्रारंभिक परिस्थितियां और इधर क्या है? अंतिम परिस्थितियां। अंतिम परिस्थितियां, प्रारंभिक परिस्थितियां क्या होगी? P1 V1, ठीक है, बराबर अंतिम परिस्थितियां क्या होगी? P2 V2। प्रारंभिक परिस्थितियां P1 V1 और अंतिम परिस्थितियां क्या होगी? P2 V2 होगी। तो V2 अपॉन V1 बराबर क्या आएगा? ये V1 को अपन उस साइड लेके जाएंगे तो ये V2 अपॉन V1 हो गया, और P2 को अपन इस साइड लेके आए तो ये क्या हो गया? P1 अपॉन P2। तो V2 बराबर क्या आया अपने पास? P1 अपॉन P2 आया, ठीक है। V2 अपॉन V1 बराबर क्या आया अपने पास? P1 अपॉन P2। V2 अपॉन V1 बराबर क्या आया? P1 अपॉन P2। अब अपने पास V2 अपॉन V1 का मान आ गया, ठीक है। तो ये V2 अपॉन V1 था का मान जो है वो अपन समीकरण पांच में रखेंगे। V2 अपॉन V1 का मान किस में रखेंगे? समीकरण पांच में रखेंगे। तो समीकरण पांच क्या था? समीकरण पांच था W बराबर -2.303 NRT log, क्या था? V2 अपॉन V1 था ना यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? P1 अपॉन P2। क्या लिखेंगे? P1 अपॉन P2। ये V1 V2 अपॉन V1 था तो V2 अपॉन V1 की जगह अपन क्या लिख देंगे? P1 अपॉन P2। तो ये हो गया समतापीय प्रक्रम में आयतन परिवर्तन के स्थान पर क्या आ गया? दाब परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कार्य W की वैल्यू निकाली। क्या किया? कार्य W की वैल्यू निकाल ली। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर छह, ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर छह। तो इस तरह से W की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालेंगे? DE, आंतरिक ऊर्जा